बता दें देश के बड़े फास्टनर निर्माता और निर्यातक यूपीएस लक्ष्मी कंपनी की ओर से मुंबई में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश जैन मौजूद रहे। इस मौके पर राजेश जैन ने कहा कि भारत का स्वर्ण युग शुरू हो चुका है, ये व्यवसायों में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है। दुनिया अनेक नई संभावनाओं और अवसरों के लिए भारत की ओर देख रही है। इसके अलावा हमें अपनी जलवायु और पर्यावरण के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि कैसे यूपीएस लक्ष्मी अपने विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण और समुदायों पर प्रभाव डाल रही है, कैसे सनराइज सेगमेंट के प्रत्येक डिजाइन और इंजीनियर द्वारा ब्रांड को उच्च प्राथमिकता मिल रही है, जिससे कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिल रही है। बता दें कि देश में विश्व प्रसिद्ध फास्टनर निर्माता और निर्यातक लक्ष्मी कंपनी ग्रुप ने ये सेल्फ फास्टनर्स और प्रिसीजन मशीनिंग कंपोनेंट्स बनाती है, और यूपीएस लक्ष्मी का जो प्रोडक्ट है आज बोइंग में जाता है, हनीवेल में जाता है, बीएमडब्ल्यू में जाता है, इंडिया में आज वीएससीसी में आज चंद्रयान, मंगलयान सब जगह हमारा प्रोडक्ट है, इंडियन रेलवेज में प्रोडक्ट अप्रूव है। तो मेक इन इंडिया के तहत आप जितने भी अगर आप सेगमेंट देखेंगे तो हमारे वहाँ कैंपस में ऑलमोस्ट 250 से 300 विजिटर्स आते हैं, तो ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है कि जो जिसके अंदर हम प्रोडक्ट दे नहीं रहे। तो उसमें चाहे डिफेंस है, चाहे एरोस्पेस है, रेलवेज है, कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोटिव है, आफ्टर टीयर्स हैं।